हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आपका संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसमें से कुछ कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग का बाकी रह गया था कि अगर कोई साइक्लिक हो, कोई लाइन नोटेशन में हो, या किसी भी ऐसे ग्रुप या कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, ये सारे नोमेनक्लेचर बच गया था। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कंप्लीट नोमेनक्लेचर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं, उसको भी आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक लगाते हैं हेडिंग के रूप में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, ठीक है। अल्केन के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किस अनुसार किया जाता है, कैसे, कौन कौन से रूल है उसके अनुसार किया जाता है, वो देखना है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं, रूल चार पांच रूल हैं, जैसे मैक्सिमम कितने, पांच रूल हैं, ठीक है। तो वो फाइव रूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके अनुसार बताएंगे कि किस ढंग से हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि फर्स्ट वन जो होता है वो क्या करता है कि कोई भी अगर अल्केन ग्रुप है, ठीक है, अल्केन लंबा सा चेन है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले उस कंपाउंड का हम लोग लंबा सा चेन को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पहले लंबे चेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी को अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ कार्बन चेन इज सेलेक्टेड विच इज रिगार्डेड एज, रिगार्डेड एज पेरेंट चेन। क्या कहते हैं कि हम लोग लंबा चेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस लंबा चेन को हम लोग क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। जैसे कल बताए थे हम लोगों ने कि रूट वर्ड किसे कहेंगे, तो रूट वर्ड वही लंबा चेन जो सिलेक्ट करते हैं उसी को हम लोग रूट वर्ड के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास मान लिया जाए कि इस प्रकार के कंपाउंड है, ऐसे आपके पास कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ऐसे करके आपका ऐसे आ जा रहा है। अब क्या करेंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कि हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट वन सिलेक्ट क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में से पेरेंट चेन को आपको सिलेक्ट करना है, लंबा सा चेन को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ लेफ्ट से राइट चले जाए या राइट से हम लोग लेफ्ट चले जाए तो वही लंबा चेन होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको क्या करना होता है कि आपको जाना है उधर जिधर पे ज्यादा से ज्यादा आपको कार्बन मिले, ठीक है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। मान लिया जाए कि हम लोग इधर से उधर बढ़ रहे हैं तो एक दो तीन चार हो गए, अगर आगे बढ़ जाते तो कितना हो जाता है, फाइव सिक्स। अगर लेफ्ट से राइट की ओर हम लोगों ने गया तो हम लोग जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सिक्स कार्बन हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर सिक्स कार्बन के अलावा अगर किसी साइड और भी जाते तो उधर ज्यादा कार्बन मिल रहा है क्या, अगर ज्यादा कार्बन मिलेगा तो उधर ही जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने फोर तक काउंट किया, वन टू थ्री फोर, इधर जाते तो फाइव हो जाता है, सिक्स हो जाता है, सेवन हो जाता है, एट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इधर से अगर ऐसे जाके ऐसे आ जाते तो वो कितना हो जा रहा है, एट कार्बन एटम्स। तो हम लोग को क्या करता है कि अगर मैक्सिमम कार्बन जिस चेन में हो उसी को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एज या पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट। तो हम लोग का पेरेंट चेन क्या बन जाता है, ऐसे करके इधर आएगा, ऐसे करके ऐसे नीचे चला जाएगा, ये हम लोग का क्या हो गया, पेरेंट चेन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। क्लियर कि पेरेंट चेन किसे कहेंगे, या सबसे पहले जो रूल्स होता है वो क्या करता है, पहले क्या सिखाता है कि पेरेंट चेन को आप सिलेक्ट। अब दूसरी बात रही कि दूसरा क्या कहता है कि अगर हम लोगों ने चेन को सिलेक्ट कर लिया, अब क्या कह रहा है कि चेन को तो सिलेक्ट कर लिए लेकिन अगर एक ही चेन
या एक ही जैसा ब्रांचिंग वाला या एक ही जैसे कार्बन एटम्स वाला एक से अधिक चेन आपको मिल जाए, ठीक है, मींस आपको इसी तरह से एक से अधिक चेन मिल जाए, जैसे हम लोगों ने 8 कार्बन को कॉन्ट्स किया, उसी तरह आपको एक या एक से अधिक चेन मिल जाए, तो आपको किसको सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन के, ठीक है। इसमें तो हम लोग देखिए कि लंबा चेन होता था उसी को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यही लंबा में अगर चार वो आ गया लंबा लंबा सेम का 8 कार्बन वाला, तो अब ये बात रह गया कि किसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन के रूप में, ठीक है। तो देखिए क्या करता है कि अगर आपके पास इस टाइप का आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ऐसे आपके पास कार्बन है, ये हो गया, यहां पे भी मान लिया जाए कार्बन जुड़ गया है, यहां पे भी मान लिया जाए कार्बन जुड़ गया है, देखिए, ठीक है। अब हम लोग के पास देखते हैं कि कौन कौन से पेरेंट चेन की भागीदारी निभाने वाला है। देखिए अगर मान लेते कि इधर से ही काउंट करते 1 2 3 4 5 6 छियार, आ रहा है ना, अगर इधर से काउंट करते तो हम लोग क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 ये भी जा सकता है, 5 ये भी जा सकता है, 6 इधर भी जा रहा है, 6 दूसरा लंबा चेन पेरेंट चेन, अगर यहां भी आते तो ये 5 हो जा रहा है, इधर भी 6 हो सकता है, इधर भी 6 हो सकता है, ठीक है। तो आपको बात यहां पे ध्यान देना है कि उसी चेन को हम लोग पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो, ब्रांच जो हो, डाली जो हो वो अधिक से अधिक निकला हुआ हो इसमें ब्रांच के रूप में, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसी सेलेक्ट करते लंबा वाला तो देखते कितना ब्रांच है, 1 2 3 तीन ब्रांच आ जा रहा है, आ रहा है ना। अगर हम लोग ऐसे करके ऊपर चले जाते हैं, ऐसे करके ऊपर, तो क्या हो रहा है, एक ब्रांच आ रहा है, ये ऊपर एक वाले को हम लोग सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर ऐसे करके इधर से आ रहे हैं नीचे चले जा रहे हैं, तो देखिए इधर से आ रहे हैं, इधर से क्या हो रहा है, एक ऐसे नीचे आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बच जा रहा है, 2 3 इसमें भी 3 हो रहा है। अगर ऊपर चले जा रहे हैं तो एक ये बच जा रहा है, एक यहाँ चले जा रहा है, एक ये 3 बच जा रहा है। तो 3 3 की संख्या वाला, 3 ब्रांच वाली संख्या वाले पेरेंट चेन 3 हमारे पास है। तो अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो लंबा वाला चेन है उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, कम ब्रांच, जिसमें अधिक ब्रांच हो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखते हैं क्या है कि ये हम लोग का क्या है कि सबसे अधिक ब्रांचिंग वाले है, तो हम लोग क्या किसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सर लैंग्वेज में लिख लेते हैं, कैसे क्या लिखा जाता है इसके बारे में, तो लिख लेते हैं। दूसरा रूल है, इफ टू और मोर चेन have the same number of carbon atoms, the chain having maximum branching is regarded as pairing chain. ठीक है, कि वैसी ब्रांच को, उसी चेन को हम लोग पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम क्या होगा, ब्रांचिंग होगा, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा था, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं कि उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ना कि ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, पेरेंट चेन, क्यों, क्योंकि इधर से ऊपर जाते हो तो इसमें ब्रांचिंग एक बच जाता है, इधर से ऐसे आता तो वही सेम 3 ब्रांचिंग हो जाता है, इधर से ऊपर जाता तो यही सेम 3 ब्रांचिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे वाले को सिलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन के रूप में, ठीक है। ये क्या हो गए आपके रूल नंबर, ठीक है। अब क्या बात हुआ कि अभी तो हम लोगों ने सिलेक्ट करने के लिए सीखा, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, अभी तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना, इधर से नंबरिंग कर दें या इधर से नंबरिंग कर दें, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे कोई भी कंपाउंड्स का,
वो आपका रूल नंबर 3 बताता है। ठीक है, तो नंबरिंग किधर से करना है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं क्या कहता है, लेकिन इससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज को लिख लेने के बाद एग्जांपल को भी समझ लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, आपको नोट करते जाना है ताकि क्या हो कि दिमाग में सेट रहे और बाद में भी रिविजन करने में सुविधा हो। द नंबरिंग ऑफ, द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट एंड कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन इज परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट द कार्बन एटम नियरिंग सब्स्टिट्यूएंट गेट मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर क्या कहता है कि उसी पेरेंट चेन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसी तरफ से हम लोग काउंटिंग करेंगे जिधर से क्या हो कि ब्रांच का नंबर क्या होना चाहिए, सबसे कम नंबर आना चाहिए। जैसे आपका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया, मान लिया जाए कि यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे काउंट करते रहे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते रहे, अब देखते हैं कि इसका जो ब्रांच है वो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे ब्रांच हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इधर से काउंट ना करके हम लोग इधर से कर देते हैं, इधर से तो 1 2 3 देखिए कितने नंबर पे हो जा रहा है, 3 नंबर पे। तो क्या करना है आपको कि उधर से ही काउंटिंग करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स का ब्रांचिंग का उधर से ही काउंटिंग करना है जिधर से आपको क्या सुविधा हो कि कम नंबर पे ब्रांच मिल जाए। अगर 2 पे ही मिल जाए, अगर 3 पे ही मिल जाए तो 5 पे नहीं जाना या 4 पे नहीं जाना। इधर से जब हम लोगों ने किया था कितने नंबर पे मिला था, 4 नंबर पे। इधर से जब हम लोग आए तो कितने नंबर पे आपका ब्रांचिंग मिला, 3 नंबर पे। तो जिधर से कम मिला उधर वो ही हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो आपका क्या है कि इधर से अगर आप काउंटिंग कर लेते हैं और लिख देते हैं तो आपका क्या होगा, नॉमेनक्लेचर गलत होगा, इधर से कीजिएगा तो आपका क्या होगा, सही। ठीक है, तो इन सारी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बताता है कि अगर आपका जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है तो अगर 2 या 2 से अधिक क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 या 2 से अधिक ब्रांच है कोई कंपाउंड से जिसमें 2 या 2 से अधिक ब्रांचिंग आपके पास है, तो उसमें क्या होगा कि कंफ्यूजन होगा कि किधर से कौन करने के बाद ही ब्रांच नजदीक होगा या किधर से कौन करना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे देख लेते हैं, ऐसे दे दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें कि कौन कर लेंगे, जैसे ये यहां पे दिया हुआ है, ऐसे दे दिया हुआ कार्बन। ठीक है, इतने सारे ब्रांच लटके हुए, 3 ब्रांच आपके लटके हुए। ठीक है, ऐसे 3 ब्रांचिंग आपके लटके हुए। अब नंबरिंग कीजिए आप, इसको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए क्या कर रहा है कि इधर से कितनी कितनी जगह पे इसका ब्रांच लटका हुआ है, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, अब इधर से अगर काउंट करते तो इधर से देखिए कहां कहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, इधर से कर रहे तो कहां कहां पे आ रहा है, 2 नंबर पे 5 नंबर पे 6 नंबर पे। अगर उधर से राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं हम लोग तो किधर क्या हो रहा है, 3 नंबर और 4 नंबर, फिर क्या है, 7 नंबर पे ब्रांचिंग। ठीक है, इस प्रकार से अगर ब्रांचिंग है तो आपको कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इधर से तो 2 नजदीक लटका हुआ है, इधर से 1 ही नजदीक लटका हुआ है, तो किधर से हम लोग काउंट करें, लेफ्ट से या राइट से। इसी केस में क्या करना है कि मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट्स को सेलेक्ट करना है,
कि ये नंबरिंग को जोड़ देंगे और जिधर से कम होगा उधर से ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे ऊपर वाले में अगर राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे तो देख रहे कितना में तीन में तीन प्लस कितना में चार चार प्लस कितने में है ये सेवन नंबर पे कितना हो गया टोटल आपका 14। ठीक है, अब अगर ये दूसरा नंबरिंग जो किए हैं लेफ्ट से राइट की ओर इसमें हम लोग देखते कितना कितना पे है, पहले कितना है दो नंबर पे, फिर कितना है फाइव नंबर पे, फिर कितना है सेवन नंबर पे। ठीक है, अब कितना हो गया दोनों दो पांच छह छह है सेवन ना सिक्स। अब पूरे जोड़ देंगे इसको भी पाँच दो सात छह तेरह। अब देखिए किसका हो रहा है नैतिक थर्टीन वाले, तो आपको देखना है कि मिनिमम सेट ऑफ लॉकेट्स अगर हो उसी को क्या कहेंगे कि ये आपका नंबरिंग जो है वो सही है, ये जो नंबरिंग आपका था वो क्या है गलत हो गया। अगर ये ख्वाब में आप आए कि इधर से दो नैतिक हो रहा है वो सही होगा, तो देखिए सही हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट से अगर लेफ्ट की ओर जा रहे तो सही नहीं हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे तब क्या हो जा रहा है सही हो रहा है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना, तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इफ देयर आर टू और मोर ब्रांचिंग इफ देयर आर टू और मोर ब्रांचिंग देन द मिनिमम सेट ऑफ लॉकेंट्स LOCANT लॉकेंट इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये ऐसे लॉकेंट किसे कहेंगे जोड़ के जो आएगा, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इसका नंबरिंग करके देख सकते हैं, पेरेंट चेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है जितने भी सारे ब्रांचिंग होगा, अब जैसे एक है दो है तीन है जो भी सारे ब्रांचिंग होगा उसका नाम हम लोगों को किस रूप में लिखना है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखना है। द नेम ऑफ ब्रांचिंग आर रिटेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल, द नेम ऑफ ब्रांचिंग रिटेन इन इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ठीक है। तो ये आपके पार्ट रूल्स हो गए, जैसे आपको आ गया मान लिया जाए कि मिथाइल है इथाइल है, तो आपको सबसे पहले किसके किसका नाम लिखना है इथाइल, पहले क्या आ रहा है ई, उसके बाद ही आपका एम आएगा, ई से पहले एम नहीं आता है। तो ये सारी क्या हो गए रूल्स हो गए अल्केन के नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको क्या करना है ध्यान में रखना है नोमेनक्लेचर के टाइम, और सारे कंपाउंड्स का नाम लिखना है जो भी प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कि इसको सेकेंडरी सफिक्स में कैसे लिखेंगे, इसको प्रीफिक्स में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजों को याद रख के आपको ये रूल्स को भी ध्यान में रखते हुए आपके नाम लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं उसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा इसका नोमेनक्लेचर वो कुछ देखते हैं चेक करके कि हो रहा है लिख पा रहे या नहीं लिख पा रहे। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया गया है, ऐसे है C2F5 दे दिया गया है CH2CH3 ऐसे। देखिए अब क्या कह रहा है कि किधर से हम लोग ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे या किधर से हम लोग कार्बन चेन को पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन चेन को देखो किधर से सिलेक्ट करना है, जिधर से क्या है लंबा चेन पहला प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए मैक्सिमम ब्रांचिंग आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि किसमें मैक्सिमम, तो अगर हम लोग ऐसे जाते हैं तो ये क्या हो रहा है हम लोग को मैक्सिमम ब्रांचिंग मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे आते इधर तो बात वही हो रहा है, इधर भी दो बच जा रहा है यहाँ भी बचा हुआ, और एक तो ब्रांच ये है।
अगर इधर से आते हैं तो क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब बात रहा कि क्या करना है कि आपको नंबरिंग करना है, तो इधर से नंबरिंग कीजिएगा। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका ब्रांच जो लटका हुआ है वो कितने नंबर पे है, 2 और 3 पे, ठीक है। अगर इधर से अगर पॉइंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने नंबर पे है, 3 और 4 पे, तो यहां कितना हो रहा है 2, 3, 2, 3, 5, यहां कितना है 3, 4, 7। तो आपको क्या करना है, मिनिमम सेट ऑफ लॉकेट्स को सिलेक्ट करना है जो नजदीक हो। तो 5 आ रहा है नजदीक ना 7 की जगह पे, तो क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि आपके पास जो ब्रांचिंग है ये किस रूप में लिखा जाता है, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स के रूप में आपका लिखा जाएगा तो उसका नाम क्या क्या है, तो CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप के रूप में मिथाइल, C2H5 को हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल। तो आपको किसका नाम पहले लिखना है, तो रूल नंबर 5 के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट का, तो सबसे पहले क्या होगा, इथाइल पहले आएगा, उसके बाद मिथाइल आएगा। तो इथाइल कितने नंबर पे है, 3, तो 3 क्या हो गया, इथाइल। फिर क्या बच गया, मिथाइल, तो मिथाइल कितने नंबर पे, 2, 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब टोटल कार्बन पेरेंट चेन वाला काउंट कर लेना, कितना है 5, तो 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सब कार्बन, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या कहते हैं, ए एन ई, डबल बॉन्ड ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड वाई एन ई, ठीक है। तो यहां पे किससे जुड़ा हुआ है, ए एन ई, सेकेंडरी सफिक्स तो कुछ नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। एक आध और लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें भी हम लोग को क्या करेंगे कि पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे जो क्या हो, जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग, तो यहां 3 ब्रांच आ जा रहा है, 1, 2, 3, तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। अब इधर से भी नंबरिंग करेंगे, उधर से भी देखते कि इधर से नजदीक हो रहा है 2, 3, 4, 5, इधर से भी करेंगे 3, 4, 5, इधर से भी देखिए 2, 3, 4 पे, इधर से भी 2, 3, 4 से, आपको किधरों से करें कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट से कीजिए राइट से, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्या है, इथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल, तो पहले किसका नाम लिखते हैं, अल्फाबेटिकल इथाइल, कितने नंबर पे, 3 पे, तो 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, या इधर से करेंगे तो ये भी 2 है, 4 है, तो क्या है 2, 4, ये क्या है, डाई मिथाइल। इसके बाद क्या बचा हुआ है कि लंबा चेन में कार्बन कितना है, तो 5 है, तो 5 को क्या कहेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए क्या कहेंगे, पेंट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि जितने भी सारे कंपाउंड्स मिले उसका नोमेनक्लेचर रूल के अनुसार लिख के ट्राई करना है, जहां भी समस्या हो आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है कि सर यहां पे नहीं बन रहा है, तो उसको क्या बताया, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं कि अगर इस प्रकार के कंपाउंड्स होता है तो हम लोग नोमेनक्लेचर ऐसे सिंपल वे में कर देते हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। एक और कंपाउंड्स का नाम बताते हैं जो क्या होता है, ब्रांच में ब्रांच के रूप में लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो उसका हम लोग कैसे नाम लिखते हैं, ये आपका है, ऐसे दे दिया है, ठीक है। अब
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसी तरह से कर लेते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, चाहे बात बराबर हो रहा है हम लोग का। अगर यहाँ से इधर आते तो कितना हो रहा है, चार, एक दो तीन चार पाँच छ, इधर जाते तो सात हो रहा है ना, वही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लटका हुआ है, इधर भी एक और बचा हुआ है ये पूरी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या है कि एक और चेन बन जा रहा है, इसमें क्या लटका हुआ मिल रहा है फिर से। तो हम लोग ब्रांच में ब्रांच वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब इस प्रकार का कंपाउंड्स मिले तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस प्रकार से। अब जो आपका ब्रांच है, आप ब्रांच में ब्रांच जो है वो कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे, फोर नंबर पे है, लिख दिए। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, ब्रांच है, इसके लिए क्या है, ब्रांच है, पेरेंट के लिए ब्रांच है, लेकिन इसका भी एक ब्रांच है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच फिर दूसरा को क्या करते हैं, फिर इसको भी काउंटिंग करते हैं, फिर उसमें जो ब्रांच है उसमें भी क्या करें, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करें। तो दो कार्बन का पेरेंट चेन या तो इधर से इधर जाएगा या तो इधर से इधर आ रहा है, तो दो कार्बन का फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बच जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल होता है ना। तो कितने नंबर पे है, वन नंबर पे मिथाइल। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकेंड वन जो क्या है, पेरेंट चेन, जो ब्रांच में ब्रांच का पेरेंट चेन, वो कितने कार्बन का है, दो कार्बन का। तो दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल। जैसे बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि प्रीफिक्स के रूप में अगर ब्रांच में भी ब्रांच हो तो उसको क्या कहेंगे, अल्काइल, अल्काइल के रूप में ही कहेंगे। तो मिथाइल उसके बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ इथाइल हो जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, बंद कर दीजिए। उसके बाद ये इसका पूरा कंपाउंड का नाम लिखा गया। अब ये बचा आपका पेरेंट चेयर का लंबा का, कितने कार्बन का है, सात, सात को हम लोग क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या कहेंगे, हेप्टेन कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्रांच में ब्रांच का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक और कंपाउंड हम लोग देते हैं, उसका नाम लिखने का प्रयास करें। ऐसे ये हो गया। ठीक है, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, CH3CH2। अब इसका नाम हम लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक बड़ा सा कंपाउंड आपको मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए लंबा चेन के रूप में सेलेक्ट कीजिए, तो इधर से अगर उधर जा रहे कितना हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, अगर इधर आना चाहते हो तो कितना होगा, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट, या सिक्स सेवन एट, या सिक्स सेवन एट, एट ही आ रहा है, उधर कितना हो जा रहा है, नाइन। तो हम लोग सेलेक्ट किसको करेंगे, जिधर अधिक, अधिक किधर हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, ब्रांच में ब्रांच बच जा रहा है। ठीक है, तो ब्रांच में ब्रांच इसका भी लंबा चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो करेंगे तो वन टू, अब टू के बाद आपके पास तीन रास्ते हैं, जिधर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, या तो इधर जाइए तो वही थ्री है, इधर जाइए तो वही थ्री, इधर भी जाइए तो वही थ्री, तो कोई एक साइड आप चले जाइए, तो ये क्या हो गया आपका ब्रांच में ब्रांच, और ये क्या बच गया आपका, फिर से ब्रांच के ब्रांच बच जा रहा है, ब्रांच के ब्रांच में जो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी फिर से ये ब्रांच बच जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच बच रहा है उसका हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो कितने नंबर पे है, फाइव नंबर पे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो ये कितने हैं इसमें ब्रांच, एक इधर एक इधर, तो ठीक है डाई लिखा है, कितने नंबर पे, दो नंबर पे, डाई यहां नहीं देना है, डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद जो फिर से पेरेंट चेन बना है ब्रांच है, वो कितने कितने कार्बन का है, एक दो तीन, तीन को क्या कहेंगे,
प्रोपाय, प्रोपाय, ठीक है। बस इस जो ब्रैकेट है उसी से सटा के लिखना है इसका टोटल कार्बन वाले का नाम कितना है, नाइन। तो नाइन को क्या कहते हैं, नॉन, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो नॉनेन, नॉन नेन, ठीक है। तो ये आपका क्या गया, ब्रांच में ब्रांच वाले कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। इस प्रकार से हम लोग सारी नोमेनक्लेचर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारे कंपाउंड्स का आप खुद से कंपाउंड्स लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जहां पर भी दिक्कत है बताइए कि यहाँ पे नहीं लिख पा रहे, ठीक है, वहां पे क्या किया जाएगा बताया जाएगा। किताब को उठाना और जहां पर भी प्रॉब्लम है पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर लाइन के रूप में दिया हुआ है उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे रखें, बॉन्ड लाइन नोटेशन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे आपका क्या है कि कोई भी अगर कंपाउंड्स है ऐसे दे दिया गया है, इसका नाम कैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते किसे, उसको हम लोग दो वर्ड्स में लिख लेते हैं, कुछ वर्ड्स में, उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। द कार्बन एटम्स, द कार्बन एटम्स आर प्लेस्ड एट इंड में बेंड, बेंड में और क्रॉस, एंड द रिमेनिंग वैलेंसी, रिमेनिंग वैलेंसीज आर सटिस्फाइड बाय बाय हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रहे हैं तो नोटेशन का अगर इंड है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है इसका इंड है, यहां पर भी क्या है कार्बन है। अगर कोई क्रॉस है या बेंड है वहां पर भी क्या है कार्बन है, यहां पर भी क्या है कार्बन, यहां कितने कार्बन हो गए आपके, तीन कार्बन हो गए, ठीक है। देखिए एक यहां सबसे लास्ट जो हो उसमें भी कार्बन है, ठीक है। जहां पर क्रॉस है टेढ़ा है वहां पर भी क्या है कार्बन, ठीक है। तो इसका अगर नाम ही स्टेप्स का आपको कंपाउंड दे दिया जाए तो ऐसे नहीं करना है कि ऐसे दे दिया तो कैसे नाम लिखेंगे, तो आपको नाम लिखना है कैसे, ठीक है। एक दो तीन, तीन को हम लोग क्या कहेंगे, किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, ये एन ई लिख देंगे, क्या हो गया प्रोपेन, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया जाए, अगर यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया जाए ऐसे, फिर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, इधर से ये डबल बॉन्ड नजदीक हो रहा है, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, पांच को हम लोग क्या कहते हैं पेन। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरा और तीसरा के बीच में, मतलब सेकेंड नंबर पे, पेन टू ई, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग इस प्रकार से नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर आपको ये दे दिया जाए ऐसे स्वास्तिक जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो हम लोग लंबा चेन सेलेक्ट करें, या तो इधर से जाए वन टू थ्री, इधर जाएंगे वही फोर फाइव, इधर जाएंगे वही फोर फाइव, इधर जाएंगे वही फोर फाइव, मतलब सेम हो रहा है दोनों तरफ से किधर भी जाए, ठीक है। तो हम लोग एक साइड चले गए, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या हो रहा है, बच जा रहा है, कितना कार्बन, एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, दो कार्बन, तो दो कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे इथाइल। इधर भी वही बच रहा है, एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां इथाइल, ठीक है। तो दो कार्बन वाले को क्या कर रहे हैं इथाइल, कितने नंबर पे, तीसरा नंबर पे, इधर से भी वन टू थ्री, इधर से भी वन टू थ्री, इधर से भी थ्री, ठीक है। तो क्या कहेंगे थ्री, कितने हैं दो, तो थ्री थ्री क्या हो गया इथाइल है दो, दो तो दो को क्या कहेंगे डाई इथाइल, थ्री थ्री डाई इथाइल। अब क्या बच गया, पूरा लंबा चेन में कितने कार्बन है पांच, तो पांच को क्या लिखेंगे पेंटेन, पेन थ्री थ्री डाई इथाइल, ठीक है।
अगर इस प्रकार के कंपाउंड्स आपको दे दिया जाए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? फिर वही सिलेक्ट करेंगे, लंबा चेन सिलेक्ट करेंगे हम लोग। देखिए एक दो तीन चार पांच हो गए, ठीक है। अब कितने नंबर पे या तो इधर से भी करेंगे तो वन टू थ्री, इधर जाएंगे तो फोर ही होगा, इधर जाएंगे तो फोर ही होगा, इसलिए फोर फाइव। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, सेम नंबर थ्री थ्री पे ब्रांच जुड़ा हुआ है, वो भी कितने कार्बन का, एक ही कार्बन का, टेढ़ा उड़ा नहीं है, तो एक कार्बन का है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, कितने नंबर पे है, थ्री थ्री, क्या है डाई, क्या है आपका एक कार्बन, तो एक कार्बन को अल्काइल के रूप में क्या कहेंगे, मिथाइल, तो थ्री थ्री डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है, पांच है, तो पांच को हम लोग क्या कहेंगे, पेंटेन, है ना, एक दो तीन चार पांच पेंटेन, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कोई भी कंपाउंड अगर दे दिया जाए, सिंगल डबल वाले बॉन्ड वाले, तो सबको आपको लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो वाई एन ही कर देना नंबर देखे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। आपको अगर ऐसी कोई कंपाउंड दे दिया जाए, लाइन खींच दिया जाए, तो उसका भी आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की ओर, इसको भी ट्राई करना है, लिखना है अपने से, कुछ अपने से कंपाउंड को क्रिएट करना है और उसका नोमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइक्लो कंपाउंड का, साइक्लो कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n, जितना कार्बन की संख्या उसकी डबल हाइड्रोजन की संख्या इसमें होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट साइक्लिक ग्रुप है ऐसे दे दिया है, तो क्या करना है, नाम से पहले क्या लिखना है, साइक्लो लिखना है, साइक्लो। कितने हैं कार्बन, आप काउंट कीजिए, एक दो तीन, काउंट कर लीजिए कितने हैं, तीन, तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लो। तीन को क्या कहेंगे, प्रो, और जुड़ा हुआ किसके साथ है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको क्या कहेंगे, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। अगर इसी तरह क्या हो जाए कि आपको और भी कंपाउंड्स मिल जाए, ये हो गया, इसको क्या कहेंगे, साइक्लो। कितना कार्बन है, चार है, तो क्या कहेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, काउंट कर सकते हैं ना, ये हो गया। इस प्रकार से आपको दे दिया जाए, देखिए कितना है, ऐसे दे दिया जाए, ऐसे ना बल्कि ऐसे दे दिया जाए, घर बना दिया जाए, कितना है कार्बन, देखिए एक दो तीन चार पांच, लेकिन एक एक कार्बन इधर भी निकला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग साइक्लिक को सिलेक्ट करेंगे, तो कहां से, जहां से मिनिमम नंबर में ब्रांचिंग आएगा, तो यहां से सिलेक्ट कीजिए या तो यहां से, तो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो ब्रांच कितने नंबर पे, वन और थ्री पे, वन थ्री, ठीक है। क्या है, एक कार्बन वाला, एक कार्बन है, एक कार्बन, तो वन थ्री क्या है, डायमिथाइल, डायमिथाइल, ठीक है। अब टोटल कार्बन कितना है, पांच, तो पांच को क्या कहेंगे, पेंटेन, वन थ्री डायमिथाइल पेंटेन, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर और भी आ जाए ऐसे, ये क्या है, साइक्लो, कितने कार्बन है, छह, तो छह को क्या कहेंगे, हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अगर इसी में ऐसे आ जाए, यहां पे ऐसे करके ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एक ब्रांच आ गया, उसमें कितने कार्बन है, ब्रांच में दो कार्बन, ठीक है, तो दो कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल। कितने नंबर पे, एक ही नंबर देंगे, जहां से स्टार्ट होगा वहीं से दे देंगे, तो वन इथाइल साइक्लो हेक्सेन। हमेशा ब्रांचिंग का नाम कहां लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स के रूप में, तो प्रीफिक्स के रूप में लिख रहे हैं, फिर ये क्या है, रूट वर्ड के रूप में, साइक्लो हेक्सेन के रूप में, क्लियर हो गया। तो ये सारे कंपाउंड्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर एक साइकिल है तो ऐसा हम लोगों ने लिखा था, अगर डबल साइकिल वाले कंपाउंड्स आ जाए उसको क्या कहते हैं, बाय साइक्लो कंपाउंड। ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, बाय साइक्लो अगर कहती है तो किसको कहते हैं वो पहले देख लेना। क्या कहता है बाय साइक्लो कि अगर कोई भी क्या है कंपाउंड्स है वो एक दूसरे के साथ किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, दो कार्बन एटम्स के साथ, जो वो दोनों का ब्रिज बन रहा है ना वो दो कार्बन एटम्स से, जैसे हम लोग देखते ना पुल को ही देखते हैं, तो पुल को बनाने के लिए क्या होता है, इधर से पिलर होता है, यहां से भी पिलर होता है, ये तब जाके ये बनता है। ठीक है, ये दोनों पिलर्स के मिलने के बाद जाके बनता है, मतलब दो कार्बन से कनेक्ट होने के बाद वो क्या हो रहा है, बन रहा है। तो बाई साइक्लो क्या हो रहा है, देखिए अगर अलग अलग करते हैं तो हम लोग के पास क्या है, ये अगर अलग करते हैं तो हम लोग के पास क्या है, ये ऐसे जब दोनों को सिलेक्ट जोड़ दिया तो कहां जुड़ गया, दो कार्बन के साथ। अगर दो कार्बन के साथ दो साइक्लो अल्केन यूनिट्स अटैच्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाई साइक्लो अल्केन। ठीक है, तो इसको दो लाइन हम लोग लिख लेते हैं, इफ टू साइक्लो अल्केन यूनिट्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय टू कार्बन एटम द बाय साइक्लो अल्केन यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय साइक्लो कंपाउंड ऑब्टेन्ड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि बाय साइक्लो क्या कहेंगे, दो साइक्लिक यूनिट्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहा है, लेकिन कितने कार्बन से, दो कार्बन से, ऐसे दोनों कार्बन से जुड़ रहा है, ऐसे नहीं कि एक ही पर, दोनों पर, इधर से इसमें भी आ रहा है, इधर से इसमें भी आ रहा है, दोनों से सर जब जुड़ जा रहा है तब हम लोग क्या कहते हैं, बाय साइक्लो, जैसे ये और ये दोनों जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहां से ऐसे जुड़ जा रहा है तब हम लोग का ये बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कि इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, ये तो बाय साइक्लो तो बन गया लेकिन इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जहां पे ब्रिज है जहां पे पुल है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का ब्रिज वाला है। ठीक है, वहीं से हम लोग काउंट करेंगे और उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्राप्त हो रहा है, 2, 3, 4 ठीक है, 5, 6, 7 ऐसे चले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 कार्बन एटम। अब क्या करना है कि इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय साइक्लो लिखेंगे। अब इसका नंबरिंग किया जाता है इस तरह के बॉक्स में। अब नंबरिंग में क्या करना है कि जिधर सबसे अधिक कार्बन है उसको काउंट करना है, किधर सबसे अधिक कार्बन है तो इधर वाले पे देखिए कितना है, 1, 2, 3 पूर्व वाले को अभी काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, कितना है, 3, 1, 2, 3 तो उसको सबसे पहले लिखना है, जिधर अधिक हो उसको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, अब इधर जब हो गया तब उधर वाले पे जाओ, उधर कितना है, ये ब्रिज को छोड़ते हुए कितना कार्बन है, 1 और 1, 2 कितना है, 2। ठीक है, अब दोनों इधर में कितना है, 3 इधर में कितना है, 2 बीच वाले जो ब्रिज है उसमें कितना, ब्रिज के अलावा कितना है, ये दोनों कार्बन के अलावा कितने कार्बन है, 1 भी नहीं है, है क्या, नहीं है, तो नहीं जब हो तो उसको क्या लिख देंगे, 0। क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका नंबरिंग लिखना है, जिधर सबसे अधिक कार्बन है उसको पहले लिखना है, उसके बाद फिर सेकंड वाले साइड को लिखना है, उसके बाद क्या करना है कि बीच में कितना कार्बन है उसको देखना है, अगर है दो के अलावा, दोनों जुड़ने के अलावा कोई कार्बन है तो उसको लिख देना है, अगर नहीं है तो 0 लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि यहां और यहां से जुड़ रहा है उसके अलावा कोई कार्बन है नहीं है तो हम लोग क्या लिख दिए, 0। अब देखते हैं कि टोटल कार्बन कितना है, तो टोटल कार्बन हम लोग के पास कितना है, 7, तो 7 का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, हेप्टेन, हेप्टेन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, हेप्टेन क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर जैसे दूसरा कंपाउंड हम लोग लिखते हैं, ये हो गया ऐसे,
अब क्या कर रहा है कि ये ऐसे करके ऐसे जुड़ रहा है। देखिए ब्रिज कहां बन रहा है, इस और इस कार्बन के साथ ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, ब्रिज से, यहां से या तो यहां से, तो हम लोग मान लेते कि यहां से, और किधर जाना है, जिधर अधिक कार्बन एटम हो, जिस साइड अधिक कार्बन है। इधर भी देखिए कितना है, एक और एक दो, इधर भी एक और एक दो, बराबर दोनों साइड जा सकते हैं जिधर जाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया, दोनों साइक्लिक यूनिट्स का हम लोगों ने काउंटिंग कर लिया। अब देखिए कि आपके पास एक कार्बन ब्रिज में भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, दो कार्बन से अटैच होने के साथ साथ एक कार्बन और भी यहां पे है तीसरा, तो इसका नंबरिंग क्या करेंगे, दे देंगे, कितना, सबसे लास्ट जो बचेगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, वही बाय साइक्लो पहले लिखिए, बाय साइक्लो। ठीक है, इसके बाद इस तरह के ब्रैकेट को लेना है, उसके बाद देखिए कि इधर कितना कार्बन है ब्रिज के अलावा, एक और एक दो, इधर भी कितना, एक और एक दो, तो क्या लिखना है, 2 2, दोनों साइड तो दो है। ठीक है, उसके बाद कितना बच रहा है, ब्रिज में एक बच रहा है, तो ब्रिज का कितना है कार्बन एक्स्ट्रा, एक, तो 2 2 1, अब टोटल कार्बन कितना है, 7, तो 7 को क्या करेंगे, फिर वही हेलोजन हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। इस प्रकार से आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा तो उसका क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। एक और लिख लेते हैं इसका। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसका क्या करना है, फिर नंबरिंग करना है, उधर जाना है जिधर अधिक कार्बन हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां देखिए है क्या, नहीं, क्या लिखेंगे इसका नाम, बाय साइक्लो, बाय साइक्लो। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग देखिए किधर से अधिक हो रहा है, इधर से देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4, इधर क्या हो रहा है, 1 2 3, ब्रिज के अलावा कितने हैं, 3 ही है, तो 3 को ना लेके जिधर अधिक है उधर लेंगे, तो इधर कितना है, 1 2 3 4, तो पहले क्या लिखेंगे, 4, उसके बाद कितना लिखेंगे, जिधर कम हो कितना है, 3, उसके बाद किसका लिखेंगे, जो ब्रिज में जितना कार्बन है उतना अधिक हो कितना है, ये 2 के अलावा कोई तीसरा नहीं, तो नहीं हो तो उसको क्या लिख देंगे, 0। अब क्या हुआ, टोटल कार्बन कितना है, 9 है ना, 9, तो उसको क्या लिखेंगे, नोने। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बाय साइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है, और भी आपको क्या करना है कि एग्जांपल्स को लेना है और आपको खुद से लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें ब्रांच भी हो सकता है, तो ब्रांच का नाम कहां लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में सबसे पहले। ठीक है, ब्रांच कहीं पर भी कुछ हो सकता है, ब्रांच को सबसे पहले लिख दीजिए अल्फाबेटिकल में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है, स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। टॉपिक दीजिए, हेडलाइन बनाइए, स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स किसे कहते हैं, अब बात आया स्पाइरो कंपाउंड्स हम लोग कहते किसे, क्या कह रहा है स्पाइरो कंपाउंड्स, अगर दो साइक्लिक यूनिट्स हैं, क्या कह रहा है कि दो अगर साइक्लो यूनिट है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, अगर एक कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अगर दोनों कंपाउंड्स क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है कि एक ही कार्बन एटम्स के साथ, किसे कहेंगे स्पाइरल कंपाउंड्स, अगर दो साइक्लिक यूनिट्स क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, वो भी किससे साथ, एक कार्बन से, जिसे क्या कहते हैं कि हम लोग दो कंपाउंड्स ले रहे हैं, एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है किससे, ये कार्बन से, एक कार्बन से, दोनों एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, तब हम लोग क्या कहेंगे, वो स्पाइरो कंपाउंड्स है। और वही क्या होता था कि अगर दो कार्बन से जुड़ जाता था उसको हम लोग क्या कहते थे, बायसाइक्लो कंपाउंड्स। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, स्पाइरो, स्पाइरो एक कार्बन से जुड़ रहा है,
तो उसको क्या कर रहे हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स कर रहे हैं, ये हाथ से ऐसे जुड़ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पाइरो कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक टू साइक्लो अल्केन ओनेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू वन कार्बन एटम वी गेट या स्पाइरो कंपाउंड, वी गेट या स्पाइरो कंपाउंड। क्या कहेंगे कि अगर दो साइक्लो अल्केन यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहा है इसके द्वारा, एक कार्बन एटम्स के द्वारा, तब हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स की प्राप्ति कर रहे हैं, वी ऑब्टेन या वी गेट क्या कर रहे हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है वो हम लोग अब देखते हैं। स्पाइरो, अब क्या करना है कि ऐसा अगर जुड़ जा रहा है तो उसके नाम से पहले हम लोग स्पाइरो लिख ही देंगे, कैसा कंपाउंड है स्पाइरो, तो स्पाइरो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि आपको नोमेनक्लेचर करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको काउंटिंग करना है। ठीक है, कार्बन का कौन, तो उधर से स्टार्ट करना है जिधर से दूसरा जो साइक्लिक यूनिट्स है वो छोटा कम कार्बन वाला, तो क्या है एक दो तीन। ठीक है, उसके बाद इधर जाइए या इधर जाइए, बात बराबर, चार पांच छ सात हो जाए। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, सेवन कार्बन हो जा रहे हैं आपका, आपका यहां प्राप्त हो जा रहा है कितने, कि उधर से कौन करना है जिधर से क्या है कि कम कार्बन वाला साइक्लिक यूनिट, तो कितना हो जा रहा है एक दो, और जिससे जुड़ रहा है उससे होते हुए आगे बढ़ना है, तीन चार पांच छ सात, तो क्या हो गया स्पाइरो। उसमें हम लोग कितने यूनिट्स में नाम लिखते थे, तीन गो तीन नाम लिखते थे, तीन नंबर लिखते थे। ठीक है, इसमें कितना नंबर लिखना है, दो ही नंबर लिखना है। ठीक है, तो दो नंबर को हम लोग लिखेंगे, वो कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसमें कैसा लिखते थे, डिक्रीजिंग, बाय साइक्लोम हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते थे, पांच तीन दो या पांच दो जीरो जो भी था वो लिखते थे, इसमें क्या करना है कि इंक्रीजिंग में, तो यहां कितना है कि ये कार्बन के इधर कितना कार्बन है, तो एक और एक दो है, तो क्या लिखेंगे दो। ठीक है, इधर कितना हो जा रहा है, कितना बच रहा है इसके बाद, एक दो तीन चार, कितना हो जा रहा है चार, चार लिखते हैं, टू फोर, तो टू फोर हो गया, तो उसके बाद क्या हम लोग नंबर कर लिए, नंबर लिख दिए, कैसा इंक्रीजिंग में लिखना है, इंक्रीजिंग में हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि टोटल कार्बन कितना है उसको गिन लीजिए, कितना टोटल कार्बन है सेवन, तो सेवन को क्या करते हैं हेप्टेन करते हैं, क्या हो गया आपका हेप्टेन। ठीक है, इस प्रकार से कोई और भी कंपाउंड्स हम लोग ले लेते हैं, ऐसे डमरू वाले, ठीक है डमरू वाला कंपाउंड्स ले लेते हैं, ये भी किससे जुड़ रहा है सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका क्या करते हैं कि हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, कितना हो रहा है काउंटिंग में, तो देखते कितना हो जा रहा है आपका, तो वहां से जिधर से कम वाला तो दोनों साइड सेम है, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका भी नाम क्लेक्चर कैसे करेंगे, स्पाइरो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि स्पाइरो के बाद कितना कार्बन है इधर और कितना कार्बन है उधर, अब दोनों तरफ देखते क्या है, वन टू दो दो कार्बन से, अगर दो दो कार्बन से सेम तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, वही लिख देंगे दो दो। ठीक है, तो टू एंड टू, ठीक है ये हो गया। अरे इसमें क्या करना है कि उसके बाद जितना टोटल कार्बन है उसको लिख देंगे, कितना कार्बन है पांच है तो उसको क्या लिखेंगे पेंटेन हो गया। ठीक है, और भी कंपाउंड हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया ऐसे हो गया ये। ठीक है, इसमें भी हम लोग काउंटिंग करेंगे, कहां से करेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच कहां यहां पे, छ सात आठ नौ, इधर से भी छ सात आठ नौ से जा सकते थे। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे, क्या होगा आपका कितना हो गया, अस्पायरो का लिखेंगे, अस्पायरो
ठीक है। उसके बाद नंबरिंग, कितना नंबरिंग अधिक है, इधर भी देखते एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, वही चार हो रहा है, तो चार चार कितना कार्बन है टोटल, नौ, तो नौ है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर एस्पायरल कंपाउंड्स है तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, नाम लिखना, पहले पहचान करना है कि एस्पायरल कंपाउंड्स है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है, कौन से कंपाउंड्स है उसको, उसके बाद क्या करना है आपको नाम लिखना है इस ऑर्डर में, ठीक है। बात को क्या करना है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि अगर बाइसाइक्लो है तो उसमें क्या करेंगे कि पहले बड़ा वाले नंबर्स को लिखेंगे, जिधर अधिक कार्बन है उसका पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटे कार्बन का नंबर लिखेंगे। और एस्पायरल में क्या करना है, इंक्रीजिंग में लिखना, पहले छोटे कार्बन को लिखना उसके बाद बड़ा कार्बन को लिखना। बाइसाइक्लो में क्या होता है, तीन नंबर को लिखना होता है, एस्पायरल में कितने नंबर लिखने होते हैं, दो नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं, इजी से इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके सारे कंपाउंड्स का नाम आपको लिख के ट्राई करना, कोई भी रेंडमली कोई भी उठाइए उसका नाम लिख के ट्राई कीजिए, जितने भी सारे रूल्स बताए गए उसके अनुसार आप नाम लिखिए, अगर नहीं लिखा था फिर से पूछिए, फिर बताने के लिए तैयार, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, सारे नॉमेनक्लेचर को क्लियर कर लिए ये दो लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे वो प्रीवियस लेक्चर को देखे ताकि आपका पूरा नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, जो टॉपिक आपका रहेगा नेक्स्ट ही वो क्या बताया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जितने आपके दोस्त हैं मित्र हैं उसके पास आपको सेंड करना है, लिंक को भेजना है ताकि वो क्या करे कि इस यूट्यूब चैनल का सदुपयोग कर सके, उसको भी उसका लाभ मिल सके। इसलिए आपको क्या करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं भूलना है ताकि आपको क्या करे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।